करूंगा कि पुष्प वर्षा के साथ आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करें। मैं अपने पदाधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा कि भाई साहब को ऊपर मंच तक लेकर आए, यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बी एल धवन साहब जी भी आ चुके हैं और हमारे सभी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनके समक्ष हमारे बैठे हैं, उन सभी का भी स्वागत और अभिनंदन। सुनील लखानिया जी, मोहन मौर्या जी, श्रीमान नंदराम भरोड़िया जी, आप सभी से भी निवेदन करूंगा कि एक बार मंच पर आकर अपना स्नान कर लें। जगदीश सक्करवाल जी, श्रीमान गंगाराम जी यदि आवाज सुन रहे हो कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। बड़ा हमारे समारोह सौभाग्य है हमारे बीच में ही हमारे राष्ट्रीय कार्य राम अवतार जी भी हमारे मंदिर में, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उन्हीं के साथ हमारे आदरणीय दयानंद सक्करवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आकर अपना स्थान हासिल करें। अभी हमारे जो कार्यक्रम, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे धर्मगुरु त्यागमूर्ति रहकर समाज के उत्थान में हमेशा अग्रसर रहे स्वामी आत्मवर्धन लक्ष्मी जी का 116वां जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं। इसी के साथ मैंने बताया था कि जैसे रहकर समाज के शुभचिंतक हर व्यक्ति की पीड़ा को हरने वाले, हर समाज की चिंता करने वाले भाई योगेंद्र चांदोले जी, जिनका शीर्ष नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी में एक पद नहीं बल्कि दो दो पदों से उनको अलंकृत किया है। उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में महामंत्री के नाते और साथ में ही उनका भव्य है उसका भी उन्होंने कल ही मैं सुना कि भाई सबको प्रभारी बनाया है, तो जोरदार तालियां बजा।